ठेकेदार की हटकारिता एवं नगर पालिका की अनदेखी के कारण डेली बाजार के एकांत हिस्सों की अवस्था बद से बदतर। करीब 20 दिनों से जमा है गंदा पानी, दुकानों के अंदर पानी घुसने के चलते दुकानदारों की अवस्था बदहाल। कोई नहीं सुन रहा फरियाद, आंदोलन का मन बना रहे हैं दुकानदार। कोरोना काल के चलते जहां व्यापार करने वाले लोगों का हाल बेहाल हो चुका है, ठीक उसी समय तिनसुकिया शहर के बीचों बीच स्थित और सबसे व्यस्त माने जाने वाले डेली बाजार के भीतर कई गलियों में गंदे पानी का जमाव होने से बाजार के दुकानदार बेहाल हो चुके हैं। आरोपों के अनुसार सब्जी मंडी का निर्माण करवा रहे ठेकेदार द्वारा पानी निकासी के नाले को बंद किए जाने के चलते पिछले 20 दिनों से यह अवस्था है। परेशान दुकानदारों के अनुसार पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण विगत 20 दिनों से नाले का गंदा पानी जमा होने और गंदा पानी दुकान तक आने जाने के कारोबार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी जमा होने के कारण ग्राहक उनके दुकानों में खरीदारी करने नहीं आ पा रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। পুরা দোকানে জল ঢুকে গেছিল, পুরা ভিতরে ঢুকে গেছে। আসছে কোথা থেকে জলটা? জলটা মানে ওদিক থেকে আসছে নাকি? আর নালাটা সাফ হয় কি না? হয় না? না ছাপা হয় না? না ছাপা হইলে দুর্গতি হয় নাকি? আমি উধার সেই চলে গেছে আপকো কন্ট্রোল পর কথা। হ্যাঁ সিপেন্ডি কন্ট্রোল পর কথা। মানে বর্তমান পৌরসভার যে ভূমিকা কি কব আপনি? পৌরসভার ভূমিকা এই হল যে দায়িত্ব, এই পানি যে উঠি আছে এই দায়িত্ব পৌরসভার। পৌরসভায় ইয়াক হেৰি কৰিব লাগিব, সফা কৰিব লাগিব, ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব লাগিব। আজি দুমাহৰ পৰা পৌরসভাক জাননি দি আছে তেখেতসকলে আমাৰ লগত ডেলি বাজার। পৌরসভার যেটো এক্সিকিউটিভ অফিসার তিনি মাহৰ ট্রেনিংত গল। जाने भी नहीं सकेगा कोई आदमी। कहाँ जाएगा? हम तो इधर से जाने वाला था। अच्छा काम करो, ये क्या हम लोग तो खुल खुल जाते हो, जो पहले जब लिया था ना नया तो खट। कितना दिन से ऐसा हालत है? एक महीना हो गया। हाँ एक महीना हो गया। तो दुकानदारी कैसे कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए पानी का अंदर है इसका, उधर से भी देख लीजिए, उधर से चलो उनसे ले लीजिए बाइक ले लीजिए। क्या करो दुकान में? आओ ना। आपके दुकान के अंदर पानी कब से घुसा हुआ है? 17 दिन हो गए। कारण क्या है घुसने का? कारण ये है कि पहले तो पानी नहीं घुसता था। हाँ। ये जो गड्ढा हुआ है ना। हाँ। गड्ढा से नीचे से पानी घुस रहा है। हम 2-3 बार पानी खाली भी किया। हाँ। लेकिन 5 मिनट में पानी पूरा भर जाता था। तो ये नाला का निकासी जो है यहाँ बंद है। हम्म। इसके लिए भी घुस रहा है क्या? ये जो बगल में जो गड्ढा कोना है ना पिलर का। हाँ। उससे पानी घुस रहा है। पहले 35-40 साल में पानी कभी नहीं घुस रहा है। माने जो सब्जी मंडी का निर्माण हो रहा है उसके चलते सब हो रहा है। ये बगल में आपका गड्ढा जो है ना पिलर। हाँ। का पिलर के हिसाब से ये पिलर का जो गड्ढा हुआ है ना। हाँ। ये पानी के अंदर घुस रहा है। तो आप दुकानदारी कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, कम से कम 14 दिन तक बंद रखा था। कल आज खोला है और कल खोला था पीछे से। आप म्यूनिसिपल बोर्ड में इसका जानकारी दिया कि नहीं? हम दाऊद को जाकर बोला हुआ था। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि ठीक है हम करवा देते हैं। करवाए अभी तो? फिलहाल अभी तो गड्ढा भर रहे हो लोग।
यहाँ जो काम निर्माण हो रहा है उसका कॉन्ट्रेक्टर को बताया कि नहीं यहाँ पैसा हो रहा है? सब बताया गया है। हाँ, सब कुछ बताया गया है। तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं वो लोग? धूप उगेगा तो नाला कटवाएगा, मौसम ठीक होगा तब नहीं कटवाएगा। अभी तक मौसम ठीक नहीं हुआ। इस मामले को लेकर दिल्ली बाजार मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा कई बार तिनसुकिया नगर पालिका को लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। बावजूद इसके अभी तक तिनसुकिया नगर पालिका द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर उक्त बाजार के दुकानदारों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बारे में तिनसुकिया मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था। वर्तमान में दिल्ली बाजार की जो अवस्था है, गंदे पानी का जमाव हो गया है, लोग दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जब से अपना कृष्ण भाई अपना डेली ये सब्जी मार्केट बनना शुरू हुआ है, तब से जो मेन नाला है उस नाले को वो कंट्रैक्टर की तरफ से बंद कर दिया गया है, और वो बंद करने की वजह से जितना भी पानी बाज़ार का निकासी होता है और होता है, वो सारा पानी गलियों में पूरा सब जगह में सब जाम हो गया है। और ये पानी इतना गंदा है कि इसके अंदर कोई भी आदमी चल नहीं सकता है, और जो दुकानदार यहाँ बैठे हैं हमें डर लग रहा है कि कहीं वो बीमार न हो जाए। तो इसके बारे में आप लोगों ने नगर पालिका को जानकारी दी थी या नहीं? इसके बारे में हम लोग ने नगर पालिका को कंटिन्यू बराबर हम लोग जानकारी में उनको दिया है। हम लोग जून में भी उनको एक लेटर दिया था, जुलाई में भी लेटर दिया था, और अभी 20/8 को हम लोगों ने एक लेटर दिया था, तो उन्होंने कहा जब धूप निकलेगी तो हम लोग ठीक करेंगे। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसको धूप निकलने तक वेट करने वाली चीज़ नहीं है, कम से कम टेम्परेरी नाला निकाल के पानी निकलना चाहिए। इसके लिए अगर कोई आदमी बीमार हो जाएगा, कोई मर जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी प्रशासन तो लेगा नहीं। और ये जो छोटे दुकानदार हैं जिनको पहुंच इतना ऊपर तक नहीं है, वो आके हम लोगों को एसोसिएशन में बोलते हैं या किसी म्यूनिसिपलिटी के कर्मचारी को बोलते हैं। हम लोगों ने बाकायदा लेटर लिख के और उनको जनाया है, लेकिन उनका तरफ से हम लोगों को कोई रिप्लाई आज तक म्यूनिसिपलिटी ने किसी भी मैटर में हम लोगों को नहीं दिया है। की बोल रहे हैं आपने, ये समस्या तो नहीं है? ये समस्या तो डिलीवर के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। इस समस्या को लेकर के हमने म्यूनिसिपलिटी को कई बार लिखित लेटर दिया, किंतु आज तक हमें किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं मिला है। 20 अगस्त को लास्ट लेटर दिया गया था, जब परिस्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी। आज परिस्थिति ऐसी है, इतना गंदा पानी, इतना स्मेल आता है कि वहाँ व्यापारियों का बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और इतना पानी जाम होने की वजह से कोई भी ग्राहक आ जा नहीं पा रहा है। एक तो पहले कोरोना महामारी से लोग परेशान थे, व्यापार बंद था, और अब कुछ खुला है तो दुकानदारों को एक आशा हुई थी कुछ कस्टमर आएंगे, हमारी रोजी रोटी चलेगी, और अब स्थिति ऐसी है, इतना पानी जाम है, इतना गंदा पानी कि वहाँ से कोई आ जा नहीं पा रहा है। इससे तो दुकानदारों का भी बीमार होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। म्यूनिसिपल्टी को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। यह म्यूनिसिपल्टी का मार्केट है, हार्ट ऑफ द सिटी है ये दिल्ली बाजार, फिर भी इतनी शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसका हमें बहुत ही दुख है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन का कहना है कि एक तरफ कोरोना बीमारी और दूसरी तरफ इस कोरोना के भयावह परिस्थिति में गंदे पानी के जमवाड़ा होने से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर जल्द इस समस्या का हल नहीं हुआ तो दिल्ली बाजार के दुकानदार आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने की बात सोचने पर मजबूर हो सकते हैं।